गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसको दोबारा से रीस्टोर करने के लिए, रिवोकेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा अमेंडमेंट जो है वो 4 अगस्त से लागू कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूल 23 जो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है उसके अंदर क्या बातें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने अब ये बात इसमें लिख दी है रूल 23 के सब रूल 1 में कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑन हिज ओन मोशन, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने खुद से आपको नोटिस भेजा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए। रिवोकेशन करने के लिए आपको रूल 10 भी फॉलो करना है, मतलब पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करना होगा। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, आपको एप्लीकेशन लगाना है रिवोकेशन के लिए REG 21 में उस प्रॉपर ऑफिसर के पास कि आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, आपने जिस वजह से कैंसिल किया था वो अब वजह मैंने ठीक कर दी है, हमने अपनी गलती सुधार कर ली है, आप हमारा एप्लीकेशन ये जो है पकड़ो रिवोकेशन के लिए और हमारा नंबर चालू करो। अब यहां पर पहले क्या होता था, ये जो रिवोकेशन एप्लीकेशन देने का टाइम पीरियड था, जिस दिन आपका नंबर कैंसिल हुआ यानी कि ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन जिस दिन आता था उसके 30 डेज के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते थे रिवोकेशन के लिए, और इसमें आपको फर्दर एक्सटेंशन मिलता था 30 डेज का, जहां पर आपको असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स एक्सटेंशन देते थे, और उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन मिलता था 30 डेज का, जहां पर आपको कमिश्नर लेवल पे एक्सटेंशन मिलता था। तो कुल मिलाकर के 90 डेज का ही एक्सटेंशन आपको मिलता था, टोटल एक्सटेंशन वगैरह सब मिलाकर 90 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन करना होता था। ये था हमारा ओल्ड प्रोविजन। अब इस 90 डेज के पूरे पीरियड को बढ़ा करके इन्होंने डायरेक्टली, अब आप समझेंगे, डायरेक्टली 270 डेज तक लेकर के चले गए। देखिए कैसे, अब जो यहां पर आपका टाइम पीरियड रहेगा रिवोकेशन अप्लाई करने के लिए वो रहेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब पहले स्टेप में जो हमारा अब न्यू टाइम पीरियड रहेगा, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑर्डर जिस दिन आया, ऑर्डर आने के 30 दिन के पहले होता था एप्लीकेशन, यहां पर कोई अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए, अब ये 30 डेज को इन्होंने कर दिया है सीधा 90 डेज, यानी कि आपके एज अ टैक्स पेयर आप विद इन 90 डेज ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 की बजाय 90 दिन का टाइम पीरियड आपको दिया गया, 60 डेज एक्सटेंशन आपको यहां पर दी गई। ये तो हो गया टैक्स पेयर को खुद से 90 दिन के अंदर करना है, अभी फर्दर एक्सटेंशन वाली बात बची हुई। आगे इन्होंने क्या लिखा, एट द कॉमन पोर्टल, ये आपको कॉमन पोर्टल पे अपलोड करना है कि क्यों आपका रिवोकेशन किया जाना चाहिए, क्या आपने एक्शंस लिए। अगर आप इस 90 डेज में नहीं कर सकते हैं, अगर आप इन 90 डेज में भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको फर्दर एक्सटेंशन जो पुराने में दिया गया था 30-30 असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर्स लेवल पे एंड कमिश्नर्स लेवल पे, तो अब इस फर्दर 60 डेज का जो एक्सटेंशन ऑफिसर लेवल पे मिलता है उसके लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया, प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में ऑन सफिशियंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। अब यहां पर हमारे कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो कि कमिश्नर ने ऑथराइज करा है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये कमिश्नर होता है कमिश्नर इन बोर्ड, और कमिश्नर इन बोर्ड जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज करेंगे फॉर दिस पर्पस इन दिस बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर एज द केस मे बी फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर लेवल पे जो ये पहले 60 डेज का एक्सटेंशन मिलता था AC एंड JC लेवल पर, अब इस 60 डेज को सीधा बढ़ा करके कह दिया गया है 180 डेज तक का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। तो टोटल टाइम पीरियड इंक्लूडिंग एक्सटेंशन जो है वो 270 डेज तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ है
उसको रिवोक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना बंद रजिस्ट्रेशन नंबर चालू करवा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा एक्सटेंशन और रिलीफ जो है वो इस रूल को अमेंड करके दे दिया गया। पहले ये चीजें ना एक्ट में लिखी होती थी, हमारा जो सेक्शन 29 सेक्शन 30 है रिवोकेशन के लिए, वहां पर तो सेक्शन 30 को भी अमेंड कर दिया गया है और उसको भी फाइनेंस एक्ट 2023 से अमेंड करके कह दिया गया था कि जो टाइम लिमिट थी वो टाइम लिमिट वहां से डिलीट करी इन्होंने और वहां लिख दिया एज में भी प्रेस्क्राइब। तो टाइम लिमिट अब रूल के अंदर प्रेस्क्राइब करी जाएगी ताकि जैसे जैसे बदलाव करना हो वो फटाफट नोटिफिकेशन से कर ले। तो ये एक प्रोसीजरल गवर्नमेंट ने अपने लिए कि टाइम पीरियड एक्सटेंड करे ना करें उसके लिए इन्होंने कर। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट जो है ये हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रिवोकेशन आपको तभी फाइल करने दिया जाएगा जब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था और वो था रीजन कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करा 6 महीने के लिए। तो आपको रिवोकेशन फाइल करने से पहले वो रिटर्न जो है फाइल करना है, उसके अंदर जो टैक्स बनता है वो जमा करना है और उसके अंदर जो इंटरेस्ट वगैरह पेनल्टी लेट फी वगैरह बनता है वो सारा कुछ पे करना है। और पे करने के बाद इस विंडो में 90 डेज आपके पास है, नहीं कर पाए फर्दर एक्सटेंशन अप्लाई कीजिए और 270 दिनों के अंदर आप अपना रिवोकेशन करवा लीजिए। क्लियर है? हाँ सर, ये चीज क्लियर है। तो सर ये जो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ है, ये जितनी भी चीजें चेंज हुई है ये हमें कैसे मिलेंगी एक जगह पर? आप इसके लिए हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगस्त महीने का एडिशन जो आएगा उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। और हर एक प्रोविजन जीएसटी के हर एक प्रोविजन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ सेक्शन 30 रूल 23, ये जितने प्रोविजंस आप जीएसटी के अंदर देखते हैं सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 173 तक और रूल 1 से लेके रूल 164 तक, ये सारे के सारे रूल्स और रूल 1 से लेके रूल 168A तक ये जितने रूल्स हैं सबका कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्ड कवरेज के लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम लोग 150 आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जीएसटी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिवोकेशन का हो, इनवॉइस का हो, लेवी कलेक्शन का हो, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आपको हर एक कैटेगरी कि किस कैटेगरी में कैसे डिसाइड करें कौन सा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, सारी चीजें यहां पर कवर करके दी गई है। असेसमेंट हो, ऑडिट हो, सर्विस ऑफ नोटिस हो, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एडवांस रूलिंग, अरेस्ट प्रोविजंस, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स, अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस रिप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वैल्यूएशन के क्या रूल्स है, ई वे बिल, ई इनवॉइस, रिफंड प्रोसेस इन जीएसटी, रिफंड के प्रोविजंस किस तरीके से आपको करना है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, ये सारी बातें, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क, आईएसडी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चाहे आपका कोई भी सप्लायर हो किसी कैटेगरी का रिवर्स चार्ज में आता है नहीं आता है, कब एग्जम्पशन है नहीं है, वो सारी बातें, डिस्काउंट इन जीएसटी, रियल एस्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, जीएसटी के बाद टीडीएस, टीसीएस कब लगता है कब नहीं, ये सारी बातें, कॉम्पोजिशन स्कीम किस तरीके से आपको लागू करवानी, टेबल वाइज फाइलिंग ऑफ जीएसटी R1, 3B, 9C, ये सारी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का डिटेल्स ले सकते हैं और अभी करेंटली आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म और डायरेक्टली एनरोल भी करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।